हेलो फ्रेंड्स दोस्तों, आज हमारे पास है एक वायरलेस हेडफोन, ब्लूटूथ हेडफोन जो कि रॉकर्स की ओर से है। और ये जो हेडफोन है इसकी मॉडल नंबर है रॉकर्स 255। दोस्तों ये जो बोट की हेडफोन है आप यहाँ पे देख सकते हैं लाइक दिस। ये जो बोट की हेडफोन है 255, ये बहुत ही फेमस हो रही है वायरलेस डिवाइसेस में, वायरलेस हेडफोन्स में। दोस्तों कुछ खास है, कुछ प्रीमियम कुछ बातें हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा इस हेडफोन के बारे में। दोस्तों सबसे पहले बता दूं, ये जो हेडफोन है वो IPS टेक्नोलॉजी की है, IPX5 यहाँ पे आप देख सकते हैं। जो मुझे सबसे अच्छी खास बात लगी यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये स्वेट एंड वाटर रेसिस्टेंस है। दोस्तों कई बार होता है वायरलेस डिवाइसेस में, वायरलेस हेडफोन्स में आपको वाटरप्रूफ या फिर वाटर रेसिस्टेंस नहीं होने के कारण उसमें पानी आने की संभावनाएं रहती हैं, वो आपके हेडफोन जो है वो ख़राब होने की चांसेस रहती है। बट मुझे जो रॉकर्स की ये जो हेडफोन है 255, मुझे इसलिए बहुत अच्छी लगी क्योंकि ये IPX5 है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्वेट एंड वाटरप्रूफ। ये मुझे खास बात लगी। दोस्तों आइए हम देखते हैं, इसे खोलते हैं, अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं कुछ खास क्या है इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं आपको ऊपर से बता दूं यहाँ पे इसके बॉक्स में यहाँ पे लिखा क्या है। दोस्तों अगर यहाँ पे आप देखें तो ये आपको दिखेगी यहाँ पे कि ये 4.1 ब्लूटूथ, इसकी जो वर्शन है वो 4.1 है, CSR8635 चिपसेट, ये क्वालकॉम की है। दोस्तों अगर आप क्वालकॉम में सर्च करें आपके क्वालकॉम CSR8635, तो ये एक चिप सेट होती है जो कि इसे कुछ प्रीमियम साउंड देती है, प्रीमियम मतलब नॉइस रिडक्शन कहें या फिर आपकी जो साउंड की क्लैरिटी है वो कहें। और ये कई बार आपको ब्लूटूथ की डिस्टेंस जो है उसको कवर करने में भी काफ़ी मदद करती है। मैग्नेटिक लॉक है ये, जो कि JBL वगैरह में आप देखेंगे तो JBL में मैग्नेटिक लॉक नहीं है। मैग्नेटिक लॉक होने के कारण ये दोनों हेडफोन्स जो होते हैं आपके गले में चिपक जाते हैं, मतलब ये डिटैच नहीं होते, या फिर आप अगर रनिंग में हैं तो ये आपके गले से खुलती नहीं है। A2DP है, IPX6 जो 5 है, मैं इसके बारे में आपको बता दिया हूँ पहले। HD साउंड विद सुपर एक्स्ट्रा पास, ओके वाओ गुड। सेकेंड आपको जो यहाँ पे मिलता है, म्यूजिक प्लेबैक टाइम है वो 6 आवर्स आपको देती है। ये JBL की जो हेडफोन्स आती हैं वो भी 6 आवर्स प्लेबैक की हैं, बट उनकी जो प्राइस है दोस्तों वो करीबन आपको 1800 या फिर 1900 के आसपास है अमेजोन में। खैर 10mm की डायनामिक ड्राइव्स है और ये CVC नॉइस कैंसिलेशन है। वाओ, यहाँ पे साइमल्टेनियसली आप दो डिवाइसेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं इसको। ओके चलिए, मैं ऊपर से तो यहाँ हम लोगों ने इसको देख ही लिया है, अब इसे खोलते हैं और करते हैं कि अनबॉक्सिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ इसे खोला, एक्चुअली मैं इसे पहले खोल चुका हूँ, मैं पहले देख चुका हूँ इसको यूज़ करके। वॉट एवर, यहाँ आपको क्या मिलता है हेडफोन्स के अलावा, ये आपको यहाँ पे जो दिखाई गई है यूज़र मैनुअल लाइक इसे आप कह सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि मल्टी फंक्शन बटन्स है, लाइन इन माइक्रोफोन है, प्लेबैक कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम माइनस कर सकते हैं, कॉल्स अटेंड कर सकते हैं, वॉट एवर। देन आपको यहाँ पे मिलता है इसे चार्ज करने के लिए एक किट, देन आपको जो यहाँ पे है 1 ईयर की कंप्लीट, वाओ ये आपको देती है 1 ईयर की कंप्लीट वारंटी। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे मैन्युफैक्चरर 1 ईयर कंप्लीट वारंटी, गुड। ये है वारंटी कार्ड, दैट मीन्स, और ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, कुछ प्रोडक्ट्स अगर आप परचेज करना चाहते हैं। देन आपको यहाँ पे जो मिलता है, यहाँ पे एक हेडफोन के साथ आपको जो ईयरबड्स हैं वो दिए हुए हैं मीडियम साइज़ के, और ये जो हेडफोन्स है ये एक है स्मॉल और एक है लार्ज। सेकेंडली हम लोगों ने इसको देख लिया है, अब इसे हम लोग देखते हैं खोल कर। फर्स्ट ऑफ ऑल ये रही हमारी बोट की हेडफोन्स। दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो बोट की हेडफोन है वो 3 कलर में आती है फ्रेंड्स,
एक है जो रेड है जो कि रैगिंग रेड कहा जाता है, एक है आपको एक्टिव ब्लैक, और जो थर्ड वन है थर्ड वन आपको ग्रीन कलर में आती है। ग्रीन कलर की जो नेम है वो है नियॉन। ओके, यहाँ पे हम देखते हैं इसको जो डिज़ाइन है वो थोड़ी प्रीमियम है। बस ये आपको यहाँ पे जैसे कि दर्शाया गया है ये वाटरप्रूफ होने का ये कारण है क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी फिक्स हो जाती है। इसकी जो चार्जिंग केबल है वो बहुत अच्छी फिक्स होती है। यहाँ पे आपको प्लस है, ये माइनस बटन है, और ये जो है पावर ऑन और ऑफ करने के लिए है। फ्रेंड्स, ये जो इसकी वायर है वायर भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है, मुझे अब दिख रही है, थिक है, थोड़ी मोटी है। मोटी होने के कारण आपको टैंगल फ्री रहेगी, आपको ये उलझेगी नहीं किसी भी तरह से। और ये रही इसकी हेडफोन की ड्राइव। ओके, यहाँ पे मैंने देखा यहाँ पे पोर्ट लिखा हुआ है इस हेडफोन के ऊपर यहाँ पे, और ये जो है डिटैचेबल है, आप इसे खोल के अलग कर सकते हैं। ये मैंने इसके बारे में आपको पहले बताया था, ये मीडियम साइज का जो है मीडियम है, और इसकी एक स्मॉल की साइज आती है वेरिएंट, और एक है लार्ज की जो मैंने दिखाया था, इस पैक के साथ में आती है। फ्रेंड्स, ये रही ये जो मैंने आपको बताया कि चिपकती है आसपास में लाइक दिस, इसके कारण से आपको हेडफोन जो गले में चिपकी हुई होगी यहाँ से लाइक दिस। एंड अगर मैं इसे खोलता हूँ यहाँ से, आप इसको यहाँ से डिटैच कर सकते हैं लाइक दिस। अगर आप इसे पसंद नहीं करते हैं, आपको नहीं लगाना है, आप इसे अलग कर सकते हैं इसका इस तरह से। ये दोस्तों JBL, और मुझे इसमें जो खास डिफरेंस लगी साउंड की, तो बहुत डिफरेंस है फ्रेंड्स। साउंड में अगर कहूँगा तो JBL, या फिर अगर आप सोनी कहते हैं तो सोनी और JBL से इसकी साउंड बहुत ही बहुत नहीं कहूँगा, बट फिर भी इसकी क्वालिटी जो है साउंड की वो थोड़ी कम है। बट अगर आप इसमें बास बढ़ाते हैं, बास की क्लैरिटी आप देखना चाहते हैं, तो आपको JBL लेना पड़ेगा। इसके लिए इसके साथ आपको नॉइज़ की जो कैंसलेशन होती है वो बहुत अच्छी है, मुझे ये बहुत ही अच्छी लगी नॉइज़ कैंसलेशन, इस कारण से ये आपके कानों में बड़े अच्छी तरह से फिक्स होती है। दैट्स वाई नॉइज़ या फिर अलग से बाहर से जो साउंड होती है वो आपके कान में घुस नहीं पाती है, वो आपके कान में आ नहीं पाती है फ्रेंड्स। और ये इसकी मैं एक चीज़ मुझे अच्छी लगी, आपको सेटिंग्स पर ही अच्छी है, फिक्स हो जाती है कान में, अगर आप इसे यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छे टाइट हो जाती है। दैट्स वाई आपको जो बास की क्लैरिटी जो होती है या फिर ट्रेवल की क्लैरिटी है वो बहुत अच्छी मिल पाती है। और इसके साथ ये 10 mm की जो ड्राइव यूनिट है वो भी 10 mm की है, तो ओवरऑल ये साउंड बड़ी अच्छी देती है। यहाँ पे अगर मैं JBL कहूँ तो JBL में आपको ये जो एयर के ऊपर फिक्स करने के लिए फिक्सचर दिया हुआ है ये नहीं होता है फ्रेंड्स। दैट्स वाई वो थोड़ा कानों से रनिंग के समय आपको निकल सकती है, थोड़ा दौड़ते दौड़ते वक्त वो आपको कान से बाहर आ जा सकती है। बट मुझे एक चीज़ अच्छी और लगी कि अगर आप दौड़ रहे हैं इसको पहनकर आप दौड़ रहे हैं तो ये आपके कानों से गिरती नहीं है। वायर थोड़ी एक्स्ट्रा है अगर आप कहें तो, जैसा कि आप देख सकते हैं थोड़ी एक आपके कॉलर तक आने के बाद थोड़ी एक्स्ट्रा वायर यहाँ पे दिया हुआ है, थोड़ा एक्स्ट्रा वायर आपको मिलता है। बट ओवरऑल ये आपके कानों में फिक्स होने के कारण ये आपको फील नहीं होता कि एक्स्ट्रा वायर है आपके कानों के आसपास। देन अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये फ्लेक्सिबल भी है और थोड़ी हार्ड भी है, इसके कारण से आपके कॉलर के पीछे, अगर आप शर्ट के पीछे यूज़ करना चाहते हैं तो शर्ट के पीछे ये आपको फिक्स हो जाएगी और ये कॉलर के वहाँ पे ढक जाएगा। देन आप इसको यूज़ करें, ये बहुत ही अच्छी हेडफोन है। मुझे ये इस रेंज में, मिड रेंज में बहुत अच्छी लगी क्योंकि इसकी प्राइस जो फ्लिपकार्ट में थोड़े दिनों पहले 999 थी, बट अभी वो 1000 rupees, सॉरी वो अभी 1499 हो चुकी है। अगर इसे आप परचेज़ करना चाहते हैं तो आप इसे परचेज़ करना चाहते हैं परचेस कर सकते हैं। मुझे दो चीज़ जो है JBL और सोनी से अच्छी लगी वो है इसकी जो फिक्स होने वाली जो फिक्स यहाँ पे दी हुई है ये, क्योंकि ये आपको बहुत ही अच्छी टाइट फिटिंग्स देती है फ्रेंड्स। और इसमें IPS 5 है जो कि वाटर रेसिस्टेंस और स्प्लैश प्रूफ है,
दौड़ते वक्त या फिर पसीना से या फिर हल्के बारिश में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये मुझे अच्छी लगी। ओवरऑल अगर आप इसके जो साउंड क्लैरिटी के हैं, साउंड क्लैरिटी थोड़ी पीछे है सोनी और या जो आपकी JBL है उससे, बट ओवरऑल ये बोट की जो रॉकर्स 255 है वो बड़ी अच्छी लगी मुझे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।